हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिनव। स्वागत है आपका अपने चैनल कुजीन गैलरी में। आज हम बनाने जा रहे हैं इंस्टेंट वड़ा, जिसे हम तैयार करेंगे सूजी से। इसे आप सूजी के वड़ा या सूजी से बने मेदू वड़ा भी बोल सकते हैं। तो चलिए अब हम सूजी से बने वड़े बनाने की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक बोल लेंगे, इसमें हम डालेंगे एक कटोरी सूजी। तो यहाँ पर मैंने बारीक वाली सूजी ली है, साथ ही ऐड कर लेंगे आधा कटोरी दही। तो दही की मात्रा मैंने उसी कटोरी से नाप कर ली है जिससे मैंने सूजी ली थी। एक कटोरी सूजी के लिए हम आधा कटोरी दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 हरी मिर्च जिसे मैंने बारीक काट लिया है, धनिया की पत्ती जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक छोटा टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दरदरी कुटी हुई जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची का पाउडर। साथ ही ऐड कर लेंगे आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा। और इसके साथ ही इसमें डाल देंगे नमक जो कि रहेगा एज पर टेस्ट। अच्छे से मिला लेते हैं इसे, सभी चीजों के आपस में अच्छे से मिलने तक मिलाएंगे। तो इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी का इस्तेमाल इसमें हमें ज़्यादा नहीं करना है, इसमें मैंने केवल 2 से 3 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए रख देते हैं जिससे कि ये अच्छे से फूल जाए। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें हम पानी का इस्तेमाल दोबारा करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, और इसमें हमें बिल्कुल भी पानी की ज़रूरत नहीं है। तो केवल इसमें मैंने 2 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। ये बार इसे अच्छे से फेंट लेते हैं 2 से 3 मिनट तक। इसे मैंने अच्छे से फेंट लिया है, हमारा वड़ा बनाने का बैटर परफेक्टली रेडी है। अब हम चलते हैं वड़ा बनाने के प्रोसेस में। तो हाथ में हम थोड़ा सा पानी लगाएंगे और थोड़ा सा पोर्शन लेंगे जिस साइज का हमें वड़ा बनाना है। इसे इस तरीके से रोल करेंगे हाथ में पानी लगाते हुए, या फिर आप तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके सेंटर में थोड़ा सा छेद कर लेंगे, ये देखिए। तो इसी तरीके से हम सारे वड़ा बनाकर तैयार करेंगे। तो वड़ों को तलने के लिए मैंने तेल रखा है गर्म होने के लिए। तेल हमारा अच्छा गर्म हो चुका है, गैस की फ्लेम लो रखेंगे। वड़ों को तलने के लिए मैंने कटोरी का इस्तेमाल किया है जिससे कि वड़ा तलने में परेशानी ना हो। इसे हम लो फ्लेम पर उलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पर नहीं तलना है, इसे हमें लो फ्लेम पर ही तलना है। अगर इसे आप हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये देखिए, इनका कलर चेंज हो चुका है, इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हम बाकी बड़ा भी तल कर तैयार करेंगे। आप कोई सी भी कटोरी ले सकते हैं, कटोरी के पिछले हिस्से पे आप थोड़ा सा पानी या फिर ऑयल लगा के वड़ा इस पर रख कर तैयार कर सकते हैं, और कटोरी को पलट कर इस तरीके से डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने में बड़े आसानी से तेल में चले जाते हैं और हाथ भी जलने का डर नहीं रहता है, ये देखिए। तो मैंने सारे वड़ा बना के तैयार कर लिए हैं, अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो लेते हैं सर्विंग प्लेट। इसके साथ हम सर्व करेंगे करौंदे की चटनी। आप चाहें तो इमली की चटनी, धनिया की चटनी या फिर नारियल की चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सूजी से बने तीखे, चटपटे, क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट वड़े बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।